कार्स हमेशा पेट्रियोटिज्म एंड प्राइड का सिंबल रहा है और ये पूरे वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी है। ब्रांड्स लाइक ए टोयोटा, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, फिएट एंड हुंडई अपने अपने कंट्री के लिए फ्लैग बैरियर्स हैं। तो साल 1990 के स्टार्टिंग में हमने स्पेसक्राफ्ट एंड मिसाइल को लॉन्च तो कर दिया था, बट हमारे पास अब तक कोई कार नहीं था जिसे हम सब अपना ओन कार कह सके। और उस टाइम टाटा ग्रुप एंड टाटा मोटर्स के चेयरमैन थे हमारे रिस्पेक्टेड रतन टाटा सर, जहाँ पे वर्ल्ड के मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स एंड इंजीनियर्स ने इंडिया का अपना कार मैन्युफैक्चरिंग की बात सुन के इसे पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया था, वहीं पे हमारे रिस्पेक्टेड रतन सर इस कार मैन्युफैक्चरिंग को लेके वेल डिटरमाइंड थे। उनका ये मानना था कि एक ऐसी कार बनाना है जिसका मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सप्लाई सब कुछ इंडिया में ही होगा। तो रतन सर एंड उनका पूरा टीम टाटा इंडिका के साथ अपना जर्नी को शुरू किया था। दरअसल इस कार का नाम इंडिका ने हमारे नेशन का प्राइड बढ़ाया था। सेम रिस्पेक्टेड जमशेद जी टाटा की स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्हें बहुत सारा ब्रिटिश डिक्लाइन, सेटबैक्स एंड क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा था और अभी सेम हिस्ट्री फिर से रिपीट भी हो रहा था। तो उनके पास एक बहुत बड़ा कंडीशन था कि अगर इंडिका को वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचाना है तो इसका डिज़ाइन भी दी बेस्ट होना चाहिए। और हर बार की तरह इस बार भी टाटा ग्रुप्स इस एक्साइटिंग चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड अपने पैशनेट इंजीनियर्स के साथ इसे बिल्ड करने में जुड़ गए। बट सबसे पहले जो प्रॉब्लम पूरे टाटा मोटर्स टीम ने फेस किया था वो है कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटी बिल्ड करना। और उस टाइम एक टॉप लेवल की वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्ड करने के लिए मिनिमम $2 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी, बट उस टाइम इतना भारी रकम रतन सर के पास था ही नहीं। तो रतन सर और उनके पूरे टीम इसे लो कॉस्ट बजट के लिए चारों तरफ सर्च करने लगे एंड फाइनली उन्हें ऑस्ट्रेलिया में डीसीयू निसान के एक पुरानी प्लांट मिल ही जाता है जो उन्हें एक न्यू प्लांट के कंपैरिजन में 1/5 कॉस्ट पे ही मिल गया था। अब टाटा मोटर्स के सारे इंजीनियर्स ने उन्हें केयरफुली डिसमेंटल करके बाय सी रूट इसे पुणे में रीबिल्ड किया था और इस हेवी एक्टिविटीज़ को टाटा मोटर्स के पूरे टीम मेंबर्स ने हार्ड स्ट्रगल के साथ सिर्फ 6 मंथ में ही इसे कम्प्लीट भी कर लिया था। टाटा इंडिका की मैन्युफैक्चरिंग नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल परसिशन के साथ इसे बिल्ड किया गया था बल्कि इसे बड़े ही प्राइड एंड लव के साथ जोड़ा गया था। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग के एक अर्लियर डेज में रतन सर जब प्लांट में विजिट की तब उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि ऑपरेटर कार के रेयर साइड को मैनुअली असेंबल कर रहा है और उस टाइम टाटा मोटर्स पर डे 300 कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए हार्ड स्ट्रगल भी कर रहा था। तो 300 कार की रेयर साइड असेंबल के लिए ऑपरेटर्स को 600 टाइम कंटिन्यूसली बेंड होके काम करना पड़ेगा जो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उन्होंने तुरंत अपने मैनेजर से इसे ऑटोमेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट करने के लिए कहते हैं और इससे टाटा मोटर्स के सारे इंजीनियर्स के लिए फास्ट काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। और इसके लिए रतन सर को आज भी टाटा मोटर्स के सारे ऑपरेटर्स उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। एंड फाइनली साल 1998 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया गया था, बट लॉन्चिंग के कुछ दिन बाद ही कार की क्वालिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दी, लाइक टायर वेयर में, बेल्ट में नॉइस एंड डिफेक्टिव पुलिस की वजह से उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा था एंड डे बाय डे अब बहुत सारे कंज्यूमर भी कंप्लेन करने लगे। अब इस ब्लैकिश इंटेंस के बीच रतन सर इन सारे प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स को अपना सर पर लेते हुए कंपनी की फ्यूचर को देखते हुए इसे इमीडिएट इम्प्रूवमेंट के लिए सारे टीम मेंबर्स ने एकजुट होकर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना चालू किया और इस बार टाटा मोटर्स के सारे टीम मेंबर्स को स्ट्रगल के साथ साथ सक्सेस भी मिल गया था क्योंकि उन्होंने अपना ओल्ड इंडिका के सारे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के बाद उसे रिजॉल्व करके साल 2001 में एक स्ट्रॉन्ग न्यू टाटा इंडिका V2 को लॉन्च किया था। और आफ्टर ऑल मार्केट में इसका रिस्पॉन्स इमीडिएट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और ये इंडियन हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट सेलिंग ऑटोमोबाइल बन गया था जब इन्होंने 1.5 साल जैसे कम टाइम में ही 1 लाख यूनिट कार सेलिंग की थी। एंड साल 2001 में इकोनॉमिक स्लोडाउन होने के बावजूद इन्होंने 46% के साथ एक रिकॉर्ड हैंडसम ग्रोथ जेनरेट किया था। और उस टाइम की एक रेप्यूटेड टेलीविजन प्रोग्राम BBC विल्स ने इंडिका को 3 लाख टू 5 लाख की रेंज में एक एज ए बेस्ट कार डिक्लेयर भी किया था। तो वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस अब वापस आ गया था और ये इंडिया के पहला अपना सक्सेसफुल कार था जिससे टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने में एलिवेट किया था।
एंड फाइनली रेस्पेक्टेड रतन सर कॉन्फ्रेंस में हम सबको ये बताया कि उन्होंने क्यों इंडिया का ओन कार्स के लिए इतना बड़ा चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया था। तो इसे थोड़ा केयरफुली सुनना कि मुझ में पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था कि जब हमारे इंजीनियर स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स को बना सकता है तब वे सारे हमारे ओन कार्स को भी बना सकता है। और जब हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हम लोग उन सारे जगह पे गए, विजिट किए जहाँ जहाँ हमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत था, और हमने उन सारे जगह पे अपना अपना नॉलेज ली एंड फाइनली हम सब ने मिलकर टाटा इंडिका को अपने नेशन के लिए बिल्ड किया। और ये हमारे लिए एंड हमारे नेशन के लिए एक प्राउड मोमेंट है एंड हमारे अंदर फुलफिलमेंट कंट्रीब्यूशन से ही आते हैं, चाहे वो कंट्रीब्यूशन कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आपके अंदर आपके काम के प्रति एक स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल एंड बड़ा डिज़ायर है तो आपको सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही सेम चीज़ें हमें टाटा इंडिका कार मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी में देखने को मिला है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।